तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली थी, जहां न्यूजीलैंड ने छठे दिन पूरा पासा पलट दिया था और न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया था। जो कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन के द्रोस बॉल के स्टेडियम में खेला गया था और शुरुआती 5 दिन में से तो 2 दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी। पहला दिन और चौथा दिन बारिश में धुल गया था। ऐसे में न्यूजीलैंड ने भारत को मात्र 3 दिन के अंदर ही हरा दिया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। अब इस हार से पहले ये कयास लगाए जाते थे कि अगर टीम इंडिया हारी तो कप्तान विराट कोहली के साथ साथ टीम इंडिया पर काफी जमकर आलोचना होगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ। टीम इंडिया फाइनल मुकाबला हार गई, उसके बाद कप्तान विराट कोहली पर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है, साथ ही अब टीम पर भी काफी उंगलियां उठ रही हैं और अब विराट कोहली की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले 3 ट्रॉफी गंवाई है, जहां विराट कोहली की कप्तानी में अभी तक टीम इंडिया एक भी आईसीसी की ट्रॉफी जीत नहीं पाई है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भले ही कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से विराट कोहली अब भी दुनिया के नंबर 1 कप्तानों में से एक माने जाते हैं। अब विराट कोहली के लिए अगले 6 महीने काफी मुश्किल होने वाले हैं, जहां टीम इंडिया को अगले 6 महीनों में कई सारी बड़ी बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट खेलने हैं। इस दौरान टीम इंडिया को 2 टेस्ट सीरीज खेलनी है और एक आईपीएल खेलना है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप 2021 का भी आयोजन इसी साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में होना है। तो कप्तान विराट कोहली के अगले 6 महीने काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं इनके कप्तानी को लेकर खास तौर पर, और यही वजह है कि विराट कोहली अपने कप्तानी में अगर टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए तो विराट कोहली के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं। जहां विराट कोहली अपनी कप्तानी में अब तक टीम इंडिया को एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं दिला पाए, जहां इससे पहले कप्तान विराट कोहली 3 बार टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं आईसीसी के इवेंट में और 3 के तीनों ही आईसीसी के इवेंट्स में कप्तान विराट कोहली अपने कप्तानी में असफल रहे हैं। जहां साल 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों करारी शिकस्त मिली थी फाइनल मुकाबले में, उसके बाद वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय टीम को हार मिली थी, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों करारी शिकस्त मिली है। तो कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया एक भी आईसीसी के इवेंट जीत नहीं पाई है और इससे पहले विराट कोहली अब तक आईपीएल की एक ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए अपने कप्तानी में। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में कप्तान विराट कोहली की कप्तानी के पर काफी चुनौती होने वाली है। तो वहीं कप्तान विराट कोहली के लिए एक आईसीसी का इवेंट जीतने का जल्द ही मौका आने वाला है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन होना है अक्टूबर नवंबर के महीने में यूएई में खेला जाएगा और इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीतना चाहेगी कप्तान विराट कोहली वाली यह टीम विराट कोहली की कप्तानी में। और विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं और विराट कोहली की कप्तानी में अगर कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो हो सकता है कि विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान ना बने रहें, उनसे कप्तानी छीनी जा सकती है। हालांकि टीम इंडिया में कप्तानी को लेकर शायद संभव हो, क्योंकि टीम इंडिया को 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है जो 50 ओवर का खेला जाएगा। अब कप्तान विराट कोहली पर सवाल उठाने वाले उनके बल्लेबाजी पर सवाल तो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली हैं, चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर टी20 या फिर टेस्ट फॉर्मेट के। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भले ही कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से विराट कोहली अब भी दुनिया के नंबर 1 कप्तानों में से एक माने जाते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि विराट कोहली के लिए कप्तानी के तौर पर आने वाले 6 महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें।